सावधान, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वे पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारे पिता जो सब कुछ देखते हैं तुम्हें पुरस्कार देंगे। ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो, वे सभागृहों और चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारे पिता जो एकांत को भी देखते हैं तुम्हें पुरस्कार देंगे। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है।